इस प्रकरण में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो सोनू है ये सबसे कुख्यात है, इसमें ये प्रति 7 केसेस में पहले जेल जा चुका है, जिसमें बहुत ही चर्चित केस था, बाढ़ कोर्ट में 2017 में फायरिंग हुआ था, जिसमें पहले भी हम लोगों ने देखा है, इस साल की लगभग तीसरी घटना है जिसमें भी लाइसेंस रिवॉल्वर है। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटना पुलिस के द्वारा जो है एक बड़ा खुलासा किया गया है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि 1 तारीख को जो है पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में अपहरण हुआ था और फिरौती भी मांगी गई थी। फिरौती का रकम 50 लाख रुपए तय किए गए थे। बैग की फैक्ट्री से एक युवक की अपहरण होता है, जिसका मामला पाटलिपुत्रा थाने में दर्ज किया जाता है और उसके बाद जो है पुलिस जो है CCTV कैमरे की मदद से जो है अपहरणकर्ता तक पहुंचती हैं। मोनू और सोनू मेन गिरोह का सरगना है, जो अपराधी हैं। कई मामलों में वो जेल जा चुके हैं, चाहे वो लूट कांड के मामले में हो या अपहरण के मामले में हो या चोरी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसका फिर उन्होंने एक बार खुलासा कर दिया है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि ये स्कॉर्पियो बाढ़ के इलाके में जा रहा था, तभी हमने CCTV कैमरे के आधार पर नाकेबंदी की और बाढ़ के क्षेत्र में जो है अथमल गोला में नाकेबंदी हुई थाने की मदद से और स्कॉर्पियो को धर दबोचा गया, जिसमें 6 अपराधी भी शामिल थे। इसका खुलासा करते हुए पटना के SSP ने क्या कुछ जानकारियां दी है विस्तार से, पहले वो आप जरा सुने। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 1 गिरफ्तारी हुई जो मेन षड्यंत्र करता था परशुराम सिंह। इस पूरे प्रकरण में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है परशुराम कुमार, ये भी मूल रूप से बाढ़ क्षेत्र का ही रहने वाला है, पकवा गांव का रहने वाला है। सोनू कुमार जो कि सोनू मोनू जो ग्रुप है उसका मेन जो अपराध कर्मी है, चंदन कुमार, बबलू कुमार, शुभम राज और सौरभ कुमार। जो सोनू है ये सबसे कुख्यात है, इसमें ये प्रति 7 केसेस में पहले जेल जा चुका है, जिसमें बहुत ही चर्चित केस था, बाढ़ कोर्ट में 2017 में फायरिंग हुआ था, जिसमें गुड्डू सिंह नाम की व्यक्ति की हत्या हुई थी। बाढ़ कोर्ट परिसर के अंदर ही AK-47 से उसको गोलियों से भुना गया था, उसमें जेल गया है। उसके बाद बेगूसराय जिला के तेगरा प्रखंड में जो प्रोग्राम पदाधिकारी का मंत्री गया श्री नवीन कुमार निश्चल, उसका इसने अपहरण किया था, सरकारी पदाधिकारी का अपहरण किया था और फिरौती की मांग की गई थी, उसको इस ग्रोह के चंगुल से छुड़वाया गया था। इसके अलावा लखीसराय जिला के, बेगूसराय जिला के, रेल पटना जिला के और पटना के विभिन्न 7 केसेस में अभियुक्त रहा है। इसके साथ जो पकड़ा गया है बबलू कुमार भी बदौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये एक हत्या के केस में 2020 में वीरेंद्र माथो की हत्या हुई थी, जो कि वार्ड सदस्य है, पंचायत के वार्ड सदस्य है। उसमें भी जो पंचायत में काम चलता है, नल जल योजना का, गली नली का काम चलता है, उसमें पैसे की बांट को लेकर उसकी हत्या की गई थी। उससे पहले भी अटेम्प्ट मर्डर के केस में जेल जा चुका है। इसी प्रकार ये एक और सौरभ कुमार पकड़ा गया है, 2019 में इसने एक व्यक्ति को गोली मारा था, उसमें जेल गया था। और जो चंदन कुमार पकड़ा गया है वो भी वीरेंद्र कुमार जो हत्या हुई थी वार्ड सदस्य की, उसकी हत्या में शामिल था और जेल जा चुका है। इसके अलावा गाड़ी का ड्राइवर शुभम राज भी पकड़ा गया है और जिसे अपहरण कराया था 50 लाख रुपए के लिए परशुराम कुमार को पकड़ा गया है। इनसे एक लाइसेंस रिवॉल्वर बरामद हुआ है और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है और जो व्हाइट स्कॉर्पियो जिससे अपहरण किया गया था वो भी बरामद हो गई है। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है ये जो अभियुक्त है बबलू कुमार, इसका अपना भाई मुन्ना सिंह आर्मी में है और जम्मू कश्मीर में काम करता है और वहीं से भी ऑल इंडिया लाइसेंस शोपियां जिला पड़ता है कश्मीर घाटी में, वहां से इसने लाइसेंस बनवाया था लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा था और वो अपने पास रखे नहीं रखते हुए अपनी खुद सुरक्षा उसको अपने ऑटो रक्षा के लिए रखना था, उसने अपने भाई को दे रखा था और इनकी पूछताछ के क्रम में पता चला कि इन्हीं हथियारों के बल पर एक स्थानीय स्तर पर जमीन का भी काम करते थे और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं टेंडर देने में उसमें इमदारी का भी काम करते हुए पैसा वसूल रहे थे। मैंने आप लोगों को आमंत्रण दिया है समाचार सम्मेलन में। ये एक फिरौती युद्ध अपहरण का मामला हुआ था जिसमें पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में एक मैसर्स आरके बैग एंटरप्राइजेस करके एक फैक्ट्री चलती है जिसमें स्कूल बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये फैक्ट्री 3 पार्टनर्स के द्वारा संचालित की जाती है जिसमें एक का नाम मनोज कुमार, एक का नाम शशि कुमार और एक का नाम रजनीश कुमार है। तो 1 तारीख को पाटलिपुत्र थाना को सूचना प्राप्त हुई थी संध्या 5 बजे के तकरीबन, उसके भाई को
जिसका नाम कामेश राम है, पिता का नाम विदेशी राम, जो कि मूल रूप से तिरोखर गांव थाना मंगापुर जिला मधुबनी के रहने वाले हैं। उसके भाई को 6 अज्ञात लोग उसकी फैक्ट्री से उठा के स्कॉर्पियो में उठा के ले गए हैं और उसके बाद 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है उसको रिलीज करवाने के लिए। तुरंत जैसे ही पाटलिपुत्रा थाना में सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला था, इंडस्ट्रियल एरिया से एक फैक्ट्री से उठाया गया था, तो जो वादी है जो अपहरण करता है कामेश राम, उसका अपना भाई है रजनीश कुमार, जो कि फैक्ट्री का संचालक भी है, तो उसे संपर्क किया गया, उसके भाई की फोटोग्राफ्स को प्राप्त किया गया। फिर आसपास का जितना भी हम लोगों का सीसीटीवी कैमरा था उसका हम लोगों ने अवलोकन किया और एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ को लगाया गया। इसमें हम लोगों को पता चला स्कॉर्पियो का नंबर हम लोगों ने डेवलप किया और उसके बाद जो भी फैक्ट्री के अंदर लोग आए थे, जो बाकी स्थानीय वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उनसे होलिया वगैरह का पता किया गया। तत्कालीन हम लोगों ने 5 टीम्स बनाई और जितना भी हम लोगों का नाकाबंदी था, सीसीटीवी से हम लोगों को पता चला कि बाढ़ की तरफ 4 लेन की तरफ स्कॉर्पियो लेकर भाग रहे हैं, तो जितने भी रास्ते में थाने पड़ रहे थे, फतुआ, अतमल गोला, कुशलीपुर, बाढ़, सभी जगह पे चेकिंग करवाया गया। इसी क्रम में क्योंकि स्कॉर्पियो का नंबर आ गया था, हम लगातार हर जगह से फीडबैक ले रहे थे, तो बाढ़ थाना क्षेत्र में इनको घेरते हुए नाकाबंदी करते हुए स्कॉर्पियो को पकड़ा गया और जो अपहरण जिसका अपहरण हुआ था जो कामेश राम, उसको सकुशल बरामद किया गया और इसके टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जितने भी गिरफ्तार हैं, जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि बहुत ही कुख्यात गिरोह है सोनू मोनू गिरोह, जो कि पटना जिला में, लखीसराय जिला में और बेगूसराय जिला में सक्रिय है। ये दो भाइयों का गिरोह है जो कि पहले भी बहुत से अपहरण के केसेस में जेल जा चुके हैं, हत्या के केसेस में जेल जा चुके हैं, लूट और डकैती के केसेस में जेल जा चुके हैं, पहले भी बहुत तरह के अपहरण के केसेस में और लूट के केसेस में रहा है और पहली बार इन्होंने पटना से इस तरह का इन्होंने दुस्साहस करने का प्रयास किया है, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण 24 घंटों में अपहरण जिसका हुआ था कामेश, उसको सकुशल बरामद किया गया है और जितने भी इसमें षड्यंत्रकर्ता और अपराधी शामिल है उनको गिरफ्तार किया गया है। एक और चीज जो पहले भी हम लोगों ने देखा है, इस साल की लगभग 3री घटना है जिसमें जो लाइसेंस रिवॉल्वर है, जिसके अधिकांश जो लाइसेंस जनगतियां रिलीज निर्गत हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, या फिर जम्मू कश्मीर से, उनके दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आए हैं। मुख्यालय स्तर से, गृह विभाग के स्तर से कमेटी भी बैठी हुई है, जिसके इस प्रकार के सभी अनुव्यक्तियों का हम लोगों ने सत्यापन पहले भी करवाया है और पुनः एक चरण हम लोग इनका सत्यापन कराएंगे, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग शस्त्र अभिव्यक्ति रिलीज होती है जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से, बहुत ही उसमें एक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई लेयर्स का सत्यापन किया जाता है, परंतु जो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों से अनुव्यक्तियां रिलीज हो रही है, उनमें बहुत से हम लोगों को ध्यान दिए प्रकाश में आई है और उनका जो दुरुपयोग के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ की अथॉरिटीज को यहाँ से एक अलग से लेटर भी लिख रहे हैं। इन सभी को पाटलिपुत्रा थाना से आज जेल भेजा जा रहा है और जो आमगढ़ तक उनके ऊपर केस हुआ है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी बाढ़ थाना क्षेत्र में हुई, उसके बाद उनको रिमांड किया जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जानकारियां दी और कहा कि एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और जो फिरौती के रकम मांगे गए थे उसका मेन गिरोह सोनू और मोनू है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम जानकारी पटना के SSP ने दी। वहीं उन्होंने कहा कि स्पेशल टीम की गठित हुई पुलिस के द्वारा और उसके बाद अपराधियों तक हम पहुंच पाएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।